जैसे कि आप सब जानते हैं कि बारिश का सीज़न चल रहा है, तो बारिश काफ़ी हो रही है तो किचन में काफ़ी सामान ऐसा होता है जो कि सील जाता है। उन सब को देखिए, मैंने धूप में रख दिया है ले जा कर के। और उसके बाद ये शीशे के जार वगैरह जो सामान के खाली हुए हैं राशन के, वो सब मैं धुल करके रखूँगी। तो ये देखिए, सब मैंने ढक्कन वगैरह धुल लिए हैं, जार भी मैंने धुल लिए हैं सब शीशे के, जो भी दाल और जितने भी सामान वगैरह रखे थे, दालें वगैरह शीशे के, सब मैंने धुल करके रख लिए हैं। और इसको अब मैं धूप में ले जा कर के रखूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा होशियार बन रही थी ना कि आज धूप निकली है और मैं साफ़ सफाई कर लूँ किचन में, मतलब सारे सामान सुखा दूँ, राशन पानी। ये देखिए भगवान ने क्या किया, ये देखिए भगवान ने सारे किए कराए पे पानी फेर दिया है, सब बारिश हो गई है। देखिए, और राशन मुझे यहाँ पे अपने रूम में अभी रखी हूँ, और ये मेरे बाबू भी सो के उठ गए हैं, तो मेरे आज सब किए कराए पे पानी फिर गया है। अब देखिए धूप निकलेगी तो मुझे तब फिर मैं काम करूंगी बाकी का। और ये बाबू भी सो के उठ गए हैं, अब इनको जा रही हूँ दूध पानी पिलाने, उसके बाद फिर देखती हूँ क्या करना है। तो जब तक की बारिश हो रही थी, सामान वगैरह तो धूप में रख नहीं सकते थे, तो मैंने किचन की बाकी क्लीनिंग कर ली है। ये एग्जॉस्ट फैन मैंने निकाल करके और इसको नॉर्मल जो हम जिससे बर्तन साफ़ करते हैं उसी से हमने इसको साफ़ किया। अभी आप देखिएगा मेरी चिमनी और एग्जॉस्ट फैन एकदम चमचम चमक जाएगा। कैमरे को भी बीच बीच में देखना पड़ता है चालू है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी बार ऐसे हो जाता है कि कैमरा ऑन ही नहीं रहता है और मैं अपना काम करती रह जाती हूँ, बाद में देखती हूँ कि अरे शूट तो हुआ ही नहीं। ये मैंने विनीगर लिया हुआ है चिमनी साफ़ करने के लिए, और जिससे हम लोग पतंजलि का बर्तन मारने वाला साबुन आता है उसी को हमने यूज़ किया है इसमें। और बस इन्हीं दो चीज़ों से मैंने पहले ब्रश से लगा दिया इसको चिमनी के पूरी जाली पर, उसके बाद थोड़ा सा स्टील वूल से बहुत ही नरम हाथों से इसको बस हल्के हल्के रगड़ा और पूरी चिमनी मेरी एकदम साफ़ हो गई है। भी मैं धुलने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए किस तरीके से दोनों जालियाँ चिमनी की साफ़ हो गई, इसी तरीके से चिमनी का मैंने पूरा ऊपर का भी पोर्शन साफ़ किया। पूरा मैं एक एक चीज़ वीडियो में नहीं शेयर कर सकती क्योंकि वीडियो बहुत ही काफ़ी लेंदी हो जाता है। फिर ये देखिए धूप आ चुकी है, हो गई है। और ये देखिए मैंने सब धूप आने के बाद फिर से जल्दी जल्दी सब लगा दिया यहाँ पे धूप में। देखिए सब मैंने जो भी सुखाने वाला सामान था सब सुखा दिया, पेपर बिछा दिए, सब जितने भी मैंने डब्बे वगैरह धुले थे सब मैंने सूखने के लिए रख दिए हैं। और अब बस अंदर जाके साफ सफाई करनी है। चलो बेटा अंदर चलो, मैं तो सोच रही थी आज सूख ही नहीं पाएगा, लेकिन बट आज सूख जाएगा बहुत ही अच्छे से सब सामान को धूप सामान सब रखने के बाद धूप में। उसके बाद हमने ये शीशे का खिड़की पर लगा हुआ है शीशा, उसको साफ़ किया पूरा। उसके बाद चिमनी का ऊपर का पोर्शन पूरा साफ़ किया मैंने इसी विनेगर और साबुन के घोल से, और ये चिमनी वगैरह सब जाली में लगा दूंगी। उसके बाद बाकी का जो फैलारा है यहाँ सब रखा हुआ है वो सब समेट देंगे। चिमनी एक झाज फैन है और ये राशन पानी रखने में ही धूप में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी का किचन साफ़ करने में मुझे काफ़ी टाइम नहीं लगता, क्योंकि रेगुलर अगर आप साफ़ सफाई करते रहते हैं तो काफ़ी टाइम नहीं लगता है। ये एक जाली और किचन में लगी हुई है खिड़की जो कि सिंक के पास, इस पर भी पानी वगैरह मैं हर एक दो दिन के बाद डालती रहती हूँ जिससे कि हवा अच्छे से आती है और धूल मिट्टी नहीं जमती है।
किचन को अगर आप हर महीने साफ करते रहें तो किचन काफ़ी ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और ये इन सब जगह पे ये देखिए बोर्ड वगैरह मैं साफ कर रही हूँ, ये सब मुझे काफ़ी साफ़ नहीं करना पड़ता इन सब को, क्योंकि ये रेगुलर मेरा साफ़ होता ही रहता है हर 10-15 दिन पर या डेली के डस्टिंग में ये सब मैं पोंछती रहती हूँ, इसीलिए बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं करना पड़ता है। ये नॉर्मल मैंने एक हैंकी लिया है, टॉवल वाला है, एक हैंकी आता है छोटा, इससे बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है, इसी को मैं धुलती गई साबुन से और इसी से पूरा किचन मैंने साफ कर दिया। देखिए किस तरीके से पूरा काउंटर साफ हो गया है, चमक रहा है। ये सब साफ़ करने में मुझे बहुत मेहनत नहीं लगती क्योंकि ये रेगुलर मेरा साफ़ करते ही रहते हैं। ये ऊपर का देखिए, अब एग्जास्ट फैन लगा देंगे, उसके बाद ऊपर पन्नी बिछी हुई है, उसको थोड़े गर्म पानी में भिगो करके सरफ के और ये पोंछते जाएंगे, फटाफट साफ़ हो जाएगा। पेपर से अच्छा है कि पन्नी किचन में बिछा दिया जाए, इससे बहुत किचन गंदा भी नहीं लगता, देखने में भी अच्छा लगता है। और इसको बस एक नॉर्मल गीले कपड़े से पोंछ दें रोज, साफ़ हो जाता है चिकनाई उसकी। और ये हस्बैंड मेरे कॉफ़ी बना रहे हैं, ये बोले कि चलो अच्छा मैं कॉफ़ी बना देता हूँ, मैं बोली ठीक है। ये देखिए ये इधर की पन्नी वगैरह मैं साफ़ कर रही हूँ, बाकी मेरा ऊपर का पूरा काउंटर साफ़ हो चुका है। ये पूरा ओपन किचन है हमारा, इसलिए थोड़ी इसकी साफ़ सफाई का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। तो ये मेरा ऊपर का दोनों काउंटर वगैरह सब जो भी सेल्फ वगैरह बनी है सब साफ़ हो गई। और ये नीचे का मैं अब पोंछ रही हूँ, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं करना पड़ता है क्योंकि ये रेगुलर की साफ़ सफाई करते ही रहते हैं। इन सब जगह पे अलमीरा नहीं बनी हुई है, इसीलिए ये सब खुला है, इसीलिए इन सब को रोज़ के रोज़ पोंछना भी पड़ता है। स्टील के डिब्बे वगैरह रखे हैं और प्लास्टिक के डब्बे देखिए मैंने किस तरीके से अरेंज किए हुए हैं साइड में। कुछ ज़रूरी सामान ही किचन में हम रखते हैं, ये बाबू बर्तन वगैरह खेलता है तो फैला देता है, इसी तरीके से दिन भर समेटते रहो। और देखिए सब जगह मैंने प्लास्टिक बिछा रखी है, इससे जो है सेल्फ जल्दी गंदी नहीं होती है। और पन्नी जो है गीले कपड़े से रोज के रोज पोंछ दो तो साफ़ रहता है। ये बाबू, ये देखिए मैंने सिंक की पाइप साफ़ करी, बाबू अपना लगे हुए हैं साथ के साथ, ये भी कह रहे हैं मैं भी वाइपर कर लेता हूँ मम्मी, तुम्हारा थोड़ा काम हल्का हो जाए। बाबू को नींद आ रही थी तो मैंने कहा चलो अच्छा तुम्हें पहले सुला देती हूँ, उसके बाद फिर बाकी का काम करेंगे। ये भी गीला हो गया था तो इसके कपड़े वगैरह चेंज करके उसके बाद मैंने पूरे घर में पोछा लगाया। एक जगह की सफाई करो तो पूरे घर में ही थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है, तो पूरे घर में पोछा लगा दी, उसके बाद सब जगह की लाइट वगैरह मैंने जला दी। उसके बाद मैं गई अपना फ्रेश होने नहाने के लिए, नहाने के बाद आई, फिर उसके बाद मैंने पूरा राशन वगैरह जो रखी थी वो सब उठा करके लाई। अब राशन वाला वीडियो मैं शेयर नहीं कर सकती, बनाई तो हूँ लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आई होप आज का क्लीनिंग का वीडियो आपको अच्छा लगे, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।